Hey everyone, welcome back to Radia Classes. चलिए today we are going to discuss a very important topic for last year CBSE. I would rather say for last year CBSE. Why I am saying last year CBSE? Because in this year this syllabus has been cut out from the CBSE syllabus. Coronavirus pandemic की वजह से जो syllabus reduce हुआ उसकी वजह से इस topic को syllabus से cut out कर दिया गया. ये syllabus के अंदर नहीं होगा. Topic का नाम क्या हमारे पास? Cyclotron. जो टॉपिक का नाम क्या है वो हमारे पास साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन इस बार सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे. यार साइक्लोट्रॉन क्या होता है ये हम जरूर डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन सा, मतलब ये क्या काम करता है, इसका कैसे वर्किंग होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सुन सकते हैं क्या होता है साइक्लोट्रॉन. हम आपको थोड़ा सा जल्दी में बताने वाले हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है. फिर उसके बाद एक टॉपिक और कवर करने वाले हैं आज हम, जिसका नाम क्या, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ कंडक्टर. चार्ज पार्टिकल की फोर्स हम कर चुके हैं, आज जो फोर्स करनी है हमने वो किसके ऊपर होगी, कंडक्टर के ऊपर फोर्स होगी. तो फटाफट से इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर लीजिए. इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आज हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है, क्लियर. वो डिस्कशन किसके ऊपर चलेगी, सबसे पहले साइक्लोट्रॉन के ऊपर, फिर फोर्स ऑन अ चार्ज फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगते हैं क्यू वीबी साइन थीटा, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगते हैं क्यू वीबी साइन थीटा, तो एक कंडक्टर को अगर हम प्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ये हमने कैलकुलेट करना है. चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन. आई होप सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके होंगे इस वीडियो में, जिन्होंने ज्वाइन करना था लाइव में. बाकी जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो रिकॉर्डेड देख ही सकते हैं इस लेक्चर को. तो अब बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए. मैं आपको बता दूं टॉपिक दो कवर होंगे आज. एक साइक्लोट्रॉन जिसको आपको लिखना ही नहीं है, आप अपनी नोटबुक्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इस साल वो सीबीएसई में नहीं आ रहा. नेक्स्ट टाइम जब हम कराएंगे तो उसको बिल्कुल अच्छे से करा जाएगा, तब आपको बताया जाएगा साइक्लोट्रॉन में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, ठीक. चलिए द टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द लास्ट ईयर सीबीएसई, ठीक है. साइक्लोट्रॉन होता क्या है? एक ये डिवाइस होती है, मैं आपको बता दूं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलेरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ये एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराने के काम आती है. सपोज मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, और बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, एक ऐसी डिवाइस होगी दैट इज नोन एज साइक्लोट्रॉन, ठीक. अब देखिए जरा इसमें क्या होगा. It is a device that is used to accelerate positively charged particles. Why am I saying B? मेरे को सिर्फ positively charged particle को ही accelerate कराना होता है. क्या मैं negative को accelerate नहीं करा सकता? नहीं. Cyclotron सिर्फ positive charge को accelerate कराने के काम आएगा. Cyclotron सिर्फ positive charge particle को accelerate कराने के काम आता है. तो देखिए जरा ध्यान से क्या होगा. It is a device which is used to accelerate positively charged ions so that it can gain high kinetic energy, ताकि वो क्या कर ले, बहुत ज्यादा kinetic energy को gain कर ले, ठीक है. तो एक ये ऐसी डिवाइस है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी देती है. इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू गिव हाई काइनेटिक एनर्जी टू अ पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हाई काइनेटिक एनर्जी देती है. अब वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे देती है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं. सबसे पहले कौन सा हमारे पास, प्रिंसिपल, ठीक. इसका प्रिंसिपल सुनिए फटाफट से, इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कीजिए और देखिए जरा साइक्लोट्रॉन क्या होता है. इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलेरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सो दैट इट कैन गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो हाई काइनेटिक एनर्जी को क्या कर ले, गेन कर ले. अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये, ठीक है. अब देखिए अ चार्ज पार्टिकल क्या प्रिंसिपल है, पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूं फिर इसको समझिएगा क्या होता है. अ चार्ज पार्टिकल गेन वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, गेन हाई काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज मेड टू क्रॉस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन. मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको बार बार घुमाते रहोगे तो वो क्या कर लेगी. अगर एक चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो हमें उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइम्स.
it is made to cross same electric field again and again number of times. बहुत बार बार इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? एक चार्ज पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी गेन क्यों करेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाते रहेंगे? और घुमाओगे कैसे? दिस कैन बी डन, दिस कैन बी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। देख लेना इसके आगे ही प्रिंसिपल को पढ़ी रखते हैं। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। शायद आपको प्रिंसिपल में एक बात पता चली होगी, हमें एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाना है। और ये कैसे घुमाओगे? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके ये सब काम कर सकते हो, ठीक है? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग सर्कुलर मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच थ्रोस। अच्छा एक बात बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी सर्कुलर। बिल्कुल सही आंसर आया, पाथ विल बी सर्कुलर। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। अब देखिए मैंने क्या करना था, एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, उसकी वजह से एक्सेलेरेट हो गया, फिर घुमा के मुझे यहाँ पे वापस लाना है, और घूम के वापस तभी आएगा अगर इसका पाथ सर्कुलर होगा। अगर इसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराया, एक्सेलेरेट करा के मुझे दोबारा घुमा के इस चार्ज पार्टिकल को यहीं पे लेके आना है। अगर दोबारा घुमा के यहीं पे लगाना है तो इसका मतलब इसको सर्कुलर पाथ में घुमा के वापस वहीं पे लाना पड़ेगा, और सर्कुलर पाथ में तभी घूमेगा अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर देखिए एक चार्ज पार्टिकल को बार बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने के लिए मुझे उसके पाथ को सर्कुलर करना पड़ेगा, और अगर मेरे को उसके पाथ के सर्कुलर करना है तो पाथ को सर्कुलर करने के लिए मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोस द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? इन अ सर्कुलर पाथ। आई थिंक भी ये टॉपिक आज बिल्कुल यही कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ऑल्दो दिस इज नॉट इन अ सिलेबस फॉर 2020, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम आ जाता है आगे। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन टाइम पीरियड, साइक्लोट्रॉन रेडियस, ये सब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आज इसी टॉपिक को कवर करते हैं। दिस कैन बी डन बाई यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोस द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक, या सर्कुलर मोशन में कह सकते हैं, जो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में थ्रू कर देगी। इतनी बात क्लियर हुई? साइक्लोट्रॉन का काम, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करवाती है, और लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही गेन करवाएगी, नेगेटिव चार्ज को गेन नहीं करवाती। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? हमने एक चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाना है, और बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे घुमा पाओगे? दिस कैन बी डन बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रो द चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ, और अगर वो सर्कुलर पाथ में घुमा तो मतलब दोबारा वहीं पे वापस आ जाएगा, फिर एक्सेलेरेट होगा, फिर दोबारा वहीं वापस, फिर एक्सेलेरेट होगा, फिर दोबारा वहीं वापस। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको पता लगा साइक्लोट्रॉन का काम कैसे होगा, एक बार बता सकते हैं? फिर इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस इसके अंदर यूज करनी है हमने, बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में। साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराएगा, और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करने के लिए उसको बार बार घुमाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम उसको बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमा सकते हैं। चलिए बताइए फटाफट से एक बार, क्या ये चीज क्लियर होगी आपको, कैसे हम एक चार्ज पार्टिकल को बार बार मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करा सकते हैं, घुमा सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन से इंसुलेटर में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, बम्बार्डेशन कर सकते हैं, बिल्कुल बता सकता हूं मैं। ये जो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है, ये हाई एनर्जी वाला पार्टिकल अगर आप एक इंसुलेटर से स्ट्राइक करवाओगे तो वो कंडक्टर बन सकता है, कह सकते हो। दिस कैन बी यूज्ड टू चार्ज द इंसुलेटर्स,
क्योंकि अगर इंसुलेटर को एक उसके साथ जो चार्जेस होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, अगर चार्जेस बहुत टाइटली बाउंड है, मैं एक हाई एनर्जी वाला पार्टिकल इससे स्ट्राइक करा दूं तो इसको एनर्जी मिलेगी और ये डी अटैच हो जाएंगे, और जैसे ही डी अटैच होंगे ये कंडक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा जो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है मैं उससे जाके उसको स्ट्राइक करवाऊंगा, और जैसे ही वो स्ट्राइक होगा वो इंसुलेटर से चेंज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज आप इस हाई एनर्जी पार्टिकल का चेंज यूज कहां पे करते हो वो भी बताएंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन कहां पे होती है। अभी चलते हैं फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसकी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या पार्ट्स इसमें यूज करेंगे और हर पार्ट का क्या यूज होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो डीज, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा जरा, दो होलो डीज होती हैं इसके अंदर, दो होलो डीज को कैसे बनाया जाएगा वो देखिएगा जरा, ये डी शेप में होते हैं, सिंपल सी एक बात, होलो डीज होलो कंडक्टर होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं लेकिन डी शेप में होते हैं, कितने होते हैं, दो होलो डीज होते हैं, इतनी बात समझ आई, कितने होंगे हमारे पास, दो होलो डीज होंगे जिसके बीच में चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा, जिसके बीच में चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा मैं ये कैमरे की पोजीशन को चेक कर सेट कर लेता हूँ, इतना आप देखिए इसकी, बिल्कुल सही। चलिए ये दो डीज थी, चलिए अब मेरे ख्याल से कैमरा बिल्कुल सेट पोजीशन में है, सही, दो डीज थी हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ टू डीज, दिस डी डी वन एंड डी डी टू, दो डीज थी इसके अंदर, ये कंडक्टर है जो अंदर से खाली है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा सकता है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा सकता है। मैं एक और डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा, इसके ऊपर मैंने नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रखा और इसके नीचे मैंने साउथ पोल ऑफ मैग्नेट रखा, इसके नीचे मैंने साउथ पोल ऑफ मैग्नेट रखा, और आपको मैं बता दूं अभी फिलहाल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये क्या आ गई हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने बताया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हमें परपेंडिकुलर रखनी थी, मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, दो डी ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऊपर नॉर्थ पोल रखा नीचे साउथ पोल रखा और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इतना क्लियर हुआ। नाउ अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, इसका नाम क्या हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, शायद ही कई बच्चों को बताओ ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, यू हर्ड अबाउट द एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपने सुना होगा, डायरेक्ट करंट के बारे में आपने सुना होगा, इन टर्म्स के बारे में आपने सुन रखा होगा, आज मैं आपको बताता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है। इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम क्या है, इसकी पोलैरिटी को चेंज करना, अभी जब पॉजिटिव इस टाइप से इसके अंदर वोल्टेज आती है, कैसे, पहले पॉजिटिव साइकिल आएगी फिर नेगेटिव आएगी फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिंग करंट इसको सप्लाई करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट इसको सप्लाई करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट इन दोनों डीज को सप्लाई करेगा। जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा और ये सप्लाई ऑन कर दी, और इस सप्लाई को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद क्या मिला, ये D1 पॉजिटिव हो गया और D2 क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि करंट आया, करंट मींस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया और इसको क्या कर दिया, नेगेटिव, इतनी बात समझ आई, ध्यान से सुनिए क्या किया हमने, हमने एक चार्ज पार्टिकल को दोनों डीज के बीच में रखा, जैसे ही दोनों डीज के बीच में रखा और अपनी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सप्लाई को ऑन कर दिया, जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सप्लाई को ऑन करा ये पॉजिटिव साइकिल आ गई, जब ये पॉजिटिव साइकिल आई इतने में D1 पॉजिटिव हो गया और D2 नेगेटिव हो गया, D2 क्या हो गया, नेगेटिव, तो इतने में अब देखिए जरा क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये नेगेटिव की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डी के अंदर जाएगा, जैसे ही डी के अंदर जाएगा, अब आपको पता है ये एक होलो कंडक्टर है, ये क्या है, एक होलो डी है, होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ इसकी तरफ खींचेगा, इसकी तरफ खींचा, ये चार्ज पार्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूं ये खाली डी इस टाइप से पड़ी हुई है और ये चार्ज पार्टिकल बाहर पड़ा हुआ था, ये इसकी तरफ एक्सेलरेट होकर अंदर घुस गया, जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, ध्यान से सुनिए, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल खाली डी में अब ऐसे इस तरफ से एक्सेलरेट हो गया और अंदर जाते ही इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी,
क्योंकि अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इसके ऊपर, जीरो। कितनी बात क्लियर होगी, ध्यान से सुनिए, अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। सिर्फ कौन सी बचेगी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में घुमा के वापस बाहर निकलेगी, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में घुमा के वापस बाहर ले आएगी। ठीक, दोबारा समझिए इसको, इस चीज को दोबारा समझिए, वर्किंग कैसे होगी। ठीक, वी हैव प्लेस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू डीज, दो डीज के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस कर दिया। नाउ वी ऑन स्विच ऑन द सप्लाई ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड इट इज फाउंड दैट द डी D1 is positive and D2 is negative initially. Now, the अगर ऐसा हुआ तो this positively charged particle is is accelerated towards D2. D2 की तरफ जाएगा, perpendicular magnetic field की वजह से circular path में घूम के वापस आ जाएगा, circular path में घूम के वापस आ जाएगा। इतने में ये positive cycle खत्म हो जाएगी, इतने में ये positive cycle खत्म हो जाएगी। अब कौन सी cycle शुरू हो जाएगी, negative। अब कौन सी साइकिल शुरू हो जाएगी, नेगेटिव, और उस नेगेटिव साइकिल की वजह से ये D1 नेगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव साइकिल की वजह से D1 नेगेटिव हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उल्टी, चेंज हो जाएगी, ये पोलैरिटी विल इंटरचेंज। अब ये पार्टिकल किस तरफ भागेगा, D1 की तरफ। अंदर गया, फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, फिर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ होगा और फिर बाहर आएगा। इतने में फिर से ये नेगेटिव साइकिल खत्म, इतने में फिर से ये नेगेटिव साइकिल खत्म, फिर पॉजिटिव आई, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, अंदर जाएगा और ये हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन जो इसका सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा। Why radius of circular path continuously increases? Because it is accelerated number of times. Because it is accelerated by the electric field number of times. जितनी बार accelerate होगा, जितनी बार force लगेगी, उतनी बार इसका radius क्या होता जाएगा? Increase होता जाएगा। और ये अपनी kinetic energy को gain करता हुआ finally इस window से बाहर आ जाएगा। फाइनली इस विंडो से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहां से विंडो से बाहर आने के बाद ये क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा टारगेट को। किसको स्ट्राइक करेगा, टारगेट को। इट विल हिट द टारगेट। टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है, आपने इसको कहां पे यूज करना है ये उस पर डिपेंड करता है, कहां पे यूज करना है ये उस पर डिपेंड करेगा। चलिए फिर मैं बताता हूँ, एक बार दोबारा सुनिए, आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं सारा कुछ कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखा होगा, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कंस्ट्रक्शन में। इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो डीज, D1 एंड D2। The D's are connected to the high frequency oscillator. The D's are connected to the high frequency oscillator, which is used to change the polarities of the D. तीसरी बात, और इसके अंदर क्या पढ़ा हुआ था? It consists of north pole and south pole, which is used to provide the perpendicular magnetic field. तीन पार्ट्स हुए, दो होलो डीस होलो कंडक्टर की तरह, और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, उसके साथ हमने कनेक्ट करी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्या कनेक्ट करी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ विंडो फ्रॉम व्हिच अ चार्ज पार्टिकल मूव्स एंड हिट द टारगेट। एक ये विंडो भी कंसिस्ट होगी, विंडो भी होगी इसके अंदर, जिसके अंदर से वो चार्ज पार्टिकल निकलेगा और टारगेट को हिट करेगा। क्लियर, और एक चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, इसको हम डिस्कस करेंगे। बट चार्ज कैन नॉट बी सीन विद नेगेटिव आई, बिल्कुल सही है, दिस चार्ज कैन नॉट बी सीन विद नेगेटिव आई, दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ वैक्यूम। सबसे पहली कंडीशन तो ये वैक्यूम में होना चाहिए, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का सोर्स होता है हमारे पास, अगर आपको सिर्फ प्रोटोन चाहिए, एक प्रोटोन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है, उसको एक्सेलेट करा सकते हो, तो ये साइक्लोट्रॉन छोटे से पार्टिकल्स को एक्सेलेट कराने के काम आता है। ठीक, चलिए आप इनको बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं चलता हूं इसकी वर्किंग के ऊपर। अब वर्किंग सुनिए, इसके अंदर वर्किंग क्या होगी, वर्किंग में क्या है, वी प्लेस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन टू डीज, वी प्लेस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन टू डीज, दो डीज के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, एंड स्विच ऑन दिस हाई सप्लाई ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सप्लाई को ऑन कर दिया। इट इज फाउंड दैट D1 इज पॉजिटिव and D2 is negative initially. D1 is positive and D2 is negative.
and it is found that the charged particle accelerate towards d2, the accelerate towards d2. किस तरफ भागेगा? d2 की तरफ भागने की कोशिश करेगा. That the charged particle accelerate towards d2. किस तरफ जाने की कोशिश करेगा? d2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा. As it moves inside the d, जैसे ही वो d के अंदर जाएगा, electric field becomes zero. वहाँ पे electric field क्या हो जाएगी? Zero. Only there is perpendicular magnetic field which throws the charged particle in a circular path and it comes out from the d2. d2 से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. जैसे ही d2 से बाहर आएगा, अब देखिए, it comes out of the d2, ये d2 से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा. As soon as particle moves out of d2, the high frequency oscillator changes the polarities of d. ये d की polarity को क्या कर देगा? Change कर देगा. Now d1 will become negative and d2 is positive. Now the charged particle will gain high kinetic energy, more high kinetic energy, and it will move in a circle of increasing radius. Increasing radius के circle में move होगा क्योंकि ये accelerate हो चुका है. And finally, it will gain high kinetic energy and moves out from the window and hit the target. और target को hit करेगा. Clear? तो ये cyclotron कैसे चलने वाला है? ये मैंने आपको बता दिया. अब एक बार फटाफट से comment section में ये बता दो कि आपको ये cyclotron की working clear होगी? क्या cyclotron कैसे चलेगा? ये पता चल गया? दो D's, magnet, target, window, charge particle. But positive क्यों होगा? ये discuss करते हैं. पॉजिटिव क्यों होगा डिस्कस करते हैं. इसकी थ्योरी कराने के बाद आपको बताएंगे इसके अंदर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों यूज नहीं कर सकते. चलिए अब यहां से डिस्कस करते हैं आगे इसके. ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल यही बता दिया मैंने, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है. कैसे घूमेगा? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके. चलिए अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं. इसके बाद देखेंगे इसकी थ्योरी. थ्योरी बहुत आसान होने वाली है क्योंकि ऐसी चीजें आप पहले कर चुके हो. आपने क्या करा? सर्कुलर मोशन करा था, वो हमने डिस्कस करा. वो देखिए अब जरा क्या होगा. थ्योरी के बारे में डिस्कस करता हूँ. थ्योरी क्या होगी? हाँ जी, थ्योरी की बात करूं, जो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, जो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. देखिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आप सभी को पता है क्या रिक्वायर्ड होती है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है. वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी? जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रही है. तो यहां से देखिए क्या होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv2/r. सभी को पता है इसका फॉर्मूला mv2/r होता है. और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला qvb sin theta. बट आई एम नॉट टेकिंग sin theta यार, बिकॉज़ ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. और अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, वहां थीटा होगा 90 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1. सो दिस v विल गेट कैंसिल. द रेडियस विल बी mv/qv, व्हिच इज सेम एज डन इन द प्रीवियस टॉपिक अबाउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ व्हेन इट एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक. टाइम पीरियड भी वही होगा. टाइम पीरियड इज 2πr/v एंड अगर मैं r की वैल्यू यहां पुट करूं 2πm/qv ये आ जाएगा. एंड द फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. दिस विल बी qb/2πm. qb/2πm द फ्रीक्वेंसी विल बी qb/2πm. ठीक. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी? मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाई इट इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? ये रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? इसी रेजोनेंस कंडीशन से आप समझ पाओगे भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एक्सेलेरेट क्यों नहीं होते. उससे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी. चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करानी है
तो कैसे गेन कराएंगे, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ का फॉर्मूला फॉर वी, हमारे पास यहाँ पे वी का फॉर्मूला है बड़ा रेडियस की फॉर्मूले, यहां से निकालू तो क्यू वी बी आर अपॉन एम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, क्यू वी बी सॉरी क्यू आर बी अपॉन m will be equal to velocity. चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दिस m विल गेट कैंसिल, द काइनेटिक एनर्जी विल बी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2l. ये आपके पास क्या आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2l, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m विल बी द काइनेटिक एनर्जी. चलिए ये काइनेटिक एनर्जी, अब इसके ऊपर चलते हैं, किधर चलेंगे हमारे पास, इसकी रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर, किसके ऊपर चलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन. एक बार यहां तक जिन्होंने नोट करना है इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं इन फॉर्मूलास को, क्योंकि ये फॉर्मूलास आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाले, और न्यूमेरिकल इससे आ सकता है सिर्फ टॉपिक कट्टा के, मैं आपको बता दूं टॉपिक का मतलब, सिर्फ साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रेडियस विल कम इन योर एग्जाम, वो आपके एग्जाम में आएंगे. तो फटाफट से नोट कीजिए, इसके बाद रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर चलेंगे. ठीक, चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर चलेंगे, रेजोनेंस कंडीशन के बाद चलेंगे इसकी लिमिटेशन पे. लिमिटेशन में सबसे पहली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट क्यों नहीं करता, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी रेजोनेंस कंडीशन से. हम देखिए जरा रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पता चलेगा रेजोनेंस कंडीशन से, व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन और व्हाट इज द रेजोनेंस, रेजोनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है. देखिए रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस ऑफ साइक्लोट्रॉन आई विल रादर से. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया देखिए जरा क्या होगा इसके अंदर, मैंने बताया जैसे ही चार्ज पार्टिकल घूम के इधर वापस आएगा उतने में इसकी पॉजिटिव साइकिल खत्म हो जाएगी और नेगेटिव शुरू हो जाएगी, उतने में इसकी पॉजिटिव साइकिल खत्म हो जाएगी और नेगेटिव शुरू हो जाएगी, और इसका मतलब दोबारा घूम के ये वापस आएगा, मतलब एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा तो दोबारा से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनना, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है ना भी आपको, या टाइम पीरियड कह लूं या फ्रीक्वेंसी कह लूं, उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब जितने टाइम में वो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उतने ही टाइम में चार्ज पार्टिकल अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, उतने ही टाइम में चार्ज पार्टिकल अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो रेजोनेंस में नहीं आता, तो चार्ज पार्टिकल, ये साइकिल पहले कंप्लीट हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल बाद में आएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल बाद में आया तो एक्सेलेरेट नहीं हो पाएगा, और अगर एक्सेलेरेट ना हो पाया तो साइक्लोट्रॉन का कोई यूज नहीं हुआ. देखिए मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा ये अपनी साइकिल को रिवर्स कर देगा, ये अपनी साइकिल को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, दैट इज एज सून एज द पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम द डी, the high frequency oscillator changes its polarity, high frequency oscillator changes its polarity, that is the frequency of high frequency oscillator is same as that of frequency of moving photon, moving proton, जो ये proton move कर रहा है उसके move करने की जो frequency होगी वो high frequency oscillator की frequency के बराबर होगी, और अगर वो बराबर नहीं होती तो ये charged particle को accelerate नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा, अब क्या हुआ, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से बाहर आने में इसको लग रहे थे 2 सेकंड, और ये अपनी साइकिल को चेंज कर गया 1 सेकंड में, तो जब पोलैरिटी पहले ही चेंज होगी तो ये एक्सेलेरेट नहीं हो पाएगा, और अगर एक्सेलेरेट ना हो पाया तो साइक्लोट्रॉन का कोई यूज नहीं होगा. तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ is equal to the frequency of charged particle, I would rather say. When frequency of high frequency oscillator is equal to frequency of
चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन. आपने शायद सुना भी होगा, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन. इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस कंडीशन. इसका मतलब जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसी टाइम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, उसी टाइम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा. और अगर ऐसा हुआ भी आपका ये हाई की हमने फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर दिया, तभी उसको एक्सिलेट नहीं करा पाएगा, तभी उसको एक्सिलेट नहीं करा पाएगा. अब मैं चलता हूं इसकी लिमिटेशन भी, अब मैं चलता हूं इसकी लिमिटेशन पे. ठीक, पहली लिमिटेशन, न्यूट्रॉन्स cannot be exhalated through cyclotron, cannot be exhalated through cyclotron. बताइए क्यों नहीं हो सकता? cyclotron से neutrons को exhalate क्यों नहीं करा सकते? cyclotron से neutrons को exhalate क्यों नहीं करा सकते? comment section में बताइए सभी. Why cannot we exhalate neutrons from cyclotron? Cyclotron से neutrons को exhalate क्यों नहीं करा सकते? क्या इसका reason आपको पता है? No charge is there. बिल्कुल सही, because उसके ऊपर charge नहीं होता. और अगर charge नहीं हुआ तो exhalate नहीं होगा. और अगर charge नहीं हुआ तो exhalate नहीं होगा. उसके ऊपर charge नहीं होता. अगर neutron के ऊपर charge नहीं होता तो वो exhalate नहीं होगा. और exhalate ना हुआ तो cyclotron का कोई role नहीं होगा इसके अंदर. Clear? चलिए. नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे, इलेक्ट्रॉन. व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सिलेटेड, कैन नॉट बी एक्सिलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन, कैन नॉट बी एक्सिलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन से इसको एक्सिलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते इसको एक्सिलेट? वो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सिलेटेड थ्रू अ साइक्लोट्रॉन. क्यों नहीं कर सकते? देखिए जरा, अगर मैं आपको बताऊं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो क्या था वो? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. मैं एक प्रोटॉन को तो एक्सिलेट कर लेता हूं, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है. इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन. क्यों? लगभग 100,000 गुना कम होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास. इसकी पावर आती है 10^-31, और इसकी पावर आती है 10^-27. तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी घूमना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही जल्दी घूमना शुरू हुआ, रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा. रेजोनेंस से बाहर मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन ये जल्दी घूमना शुरू हो जाएगा तो वहां क्या आ गया? रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास कम होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हम उसको एक्सिलेट नहीं कर पाएंगे. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सिलेटेड थ्रू साइक्लोट्रॉन बिकॉज दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है. एंड दिस हाई फ्रीक्वेंसी मूव्स इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ रेजोनेंस. And this high frequency moves electrons out of resonance. Electrons out of resonance, इसको resonance से बाहर फेंक देंगे. और resonance से बाहर आते ये exhalate नहीं होगा. Resonance से बाहर आते ये exhalate नहीं होगा. चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, साइक्लोट्रॉन क्लियर हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सिलेट होते? न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं एक्सिलेट होते? सिर्फ प्रोटॉन एक्सिलेट क्यों होते हैं? और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बस का भी नहीं है. हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी को 100,000 गुना नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसका मास 100,000 टाइम्स ज्यादा होता है. चलिए बता दीजिए, साइक्लोट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलेट कराएगा? Yes, no, प्लीज अपना रिप्लाई जरूर कीजिए. जिन्होंने वीडियो स्टार्टिंग से देखा है, जिन्होंने लेक्चर स्टार्टिंग से देखा है, उनका आंसर जरूर आना चाहिए भी हमारे पास. क्या आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में पता चल गया? बहुत अच्छा टॉपिक था, फेवरेट टॉपिक हुआ करता था इन स्टूडेंट्स का, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक था. और इसको सीबीएसई ने कटआउट कर दिया, बहुत सालों से सिलेबस टॉपिक आया भी नहीं था वैसे तो सीबीएसई में. इससे जो न्यूमेरिकल आता था रेडियस के ऊपर, और वो रेडियस वाला न्यूमेरिकल अभी भी आएगा.
ठीक है, क्योंकि हम कर भी चुके हैं उस रेडियस वाले न्यूमेरिकल को, लास्ट वीडियो में आपको वही मिलेगा रेडियस वाला न्यूमेरिकल। सो थैंक यू सो मच, फटाफट से वीडियो लाइक कर दें, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने कर ही दी होगी, जितने देख रहे हैं उससे ज्यादा लाइक है, और चैनल सब्सक्राइब अगर आप न्यू यूजर हो। थैंक यू सो मच।